जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा एक चुनावी सभा में मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के बारे में असंसदीय शब्द आइटम बोले जाने पर सिंगरौली कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलल लुबेज, सुभाष वर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश दुबे, पाल सिंह सहित जिले के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने लगभग 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में नारे लगाते हुए कहा कि कमलनाथ शर्म करो, महिलाओं का अपमान बंद करो बंद करो, जैसे नारे लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी पुरानी परंपरा रही है, महिलाओं के बारे में यह अभद्र टिप्पणी करती है। लोकसभा चुनाव के पहले भी एक चुनावी सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह राहुल ने सांसद रीति पाठक के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, इसलिए प्रदेश की जनता इनको ऐसा सबक सिखा रही है। कांग्रेस ने अपने आप को साबित कर दिया आज, अनुसूचित जाति वर्ग को जिस तरह मात्र शक्ति जो हिंदू धर्म में आज नवरात्र है, नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, ऐसे समय में ऐसे महिला को आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करना, कमलनाथ ने कपटनाथ ने स्वयं दिखा दिया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। वो इतना घबरा गए हैं, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इस तरह आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग। हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे मध्य प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता, हम लोग मौन धारणा एक साबित दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम लोग पूरे हिंदुत्व का एक वो है, और हम लोग जिस तरह कांग्रेस बखला गई है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे महिला नेत्री होने के नाते आज भी उनके मन में एक शब्द हिंदुत्व का भाव नहीं है, वो क्या जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कामों को। यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं, एक महिला की बात है, एक नारी सम्मान की बात है। आपने देखा ही होगा कल कमलनाथ ने जिस तरह डबरा वाले कार्यक्रम में उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे कमलनाथ को, और उनका पुतला दहन करने का आज कार्यक्रम हम लोग पूरे समस्त सिंगरौली जिले के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज 10 बजे से 12 बजे तक मौन धरना, और इसके बाद हम सबों ने अभी कमलनाथ का पुतला दहन यहाँ किया है। कल की सभा में इस प्रदेश का पूर्व मुखिया जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन की माननीय मंत्री इमरती देवी के ऊपर आइटम जैसे शब्दों का उपयोग करके जिस अभद्र भाषा का परिचय उन्होंने दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नवरात्रि के समय में यह पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा देश की जनता माँ दुर्गा शक्ति के रूप में उस नारी को देखती है। आज उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग करके जिस तरह से नारी का सम्मान किया है, आज उसके विरोध में हम सबों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके यह एक संदेश प्रदेश को भेजा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कोई भी मुखिया इस तरह से महिलाओं का असम्मानजनक टिप्पणी न करें। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान अजय सिंह राहुल विंध्य के जो नेता हैं उनके द्वारा वर्तमान सांसद रीति पाठक के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, क्या कहना चाहेंगे इससे कांग्रेसियों की विचारधारा को? यह बताने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेसियों की पुरानी संस्कृति रही है और इस कांग्रेसी संस्कृति को इस मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से जान चुकी है। आज उसका परिणाम था कि 15 महीने में अपनी बनी हुई सरकार को रोक नहीं पाए और उनके जो जो मंत्री थे वो अपने आप स्वेच्छा से इस्तीफा दे करके हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वह दिन दूर नहीं अगर इस तरह से कांग्रेसी नेताओं के द्वारा ऐसे अभद्र टिप्पणी का उपयोग होता रहेगा तो इस प्रदेश की जनता उसको बहुत ही जल्द सबक सिखाने जा रही है, आने वाले समय में और भी सबक देखने को मिलेगा।